हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फोर फीचर ऑफ शेयर्स देख रहे थे, अगर आपको याद है तो। बच्चों, बेसिकली फोर फीचर के तीन इम्प्लीकेशंस होते हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया। फोर फीचर की वजह से आपका शेयर कैपिटल इज गोइंग टू रिड्यूस, शेयर कैपिटल हमारा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ फोर फीचर। दूसरी बात, जो हमें पैसा आने वाला था तो वो अब हमें आने नहीं वाला। और थर्ड थिंग इज दैट, जो हमें ऑलरेडी पैसा मिल चुका है तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड दैट मनी, तो ये कंपनी के लिए फायदा हो जाएगा। तो ये तीन इंप्लीकेशन होते हैं आपके फोर फीचर ऑफ शेयर्स के। तो अकॉर्डिंगली इसकी एंट्री भी क्या बनती है बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। फिर आप टू करते हो कॉल्स इन एरियर्स, या फिर वो रिस्पेक्टिव कॉल क्रेडिट कर दोगे क्योंकि अब उसका तो पैसा आने नहीं वाला। एंड आप लोग और एक एक क्रेडिट कर देते हो और वो क्रेडिट किया जाता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को, क्योंकि हमें जो बेनिफिट होता है, इन शॉर्ट जो हमें पहले पैसा मिल चुका था वो अब कंपनी को रिफंड नहीं करना पड़ेगा। तो फिर इसे आप लोग अब बेनिफिट मान लोगे और उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ओके, तो ये होती है आपकी फोर फीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री। बट बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स के भी हम लोग दो पार्ट कर सकते हैं। ओके, जो आपके ओरिजिनल शेयर्स है वो किस पे इशू हुए थे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी फोर फीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री डिपेंड करती है। ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं ओरिजिनल शेयर्स इशूड एट, ओरिजिनल शेयर्स इशूड एट। तो जो ओरिजिनली आपके शेयर्स इशू हुए होंगे तो वो कहीं ना कहीं दो टाइप से इशू हो सकते हैं। ओके, एक तो एट पार इशू हुआ होगा या फिर एट प्रीमियम इशू हुआ होगा। ओके, एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका था। एट पार का मतलब होता है जब 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में दे रहे हो तो उसको बोलते हैं एट पार। प्रीमियम किसको बोला जाता है, 10 का 12 में दे रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रीमियम। और डिस्काउंट में शेयर्स इशू पहले हुआ करते थे बट अब स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई भी आपका शेयर इशू नहीं हो सकता है एट डिस्काउंट। ओके, ये बात हमने देखी थी। जब भी आप लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करते हो तो आपको हमेशा एंट्री मारते वक्त ये चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिनल शेयर्स इशू किस पे हुए थे, एट पार हुए थे या प्रीमियम हुए थे। अगर ओरिजिनली शेयर इशू हुआ था आपका पार पे तो एंट्री वही आएगी जो आपने सीख रखी थी, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये कितने से होगा, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो इतने से आप इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करते हो टू दैट रिस्पेक्टिव कॉल। जो कॉल का पैसा आना बाकी था अब वो नहीं आएगा, इसके लिए उस रिस्पेक्टिव कॉल को आप लोग क्या कर देते हो, क्रेडिट। और उसके बाद आप लोग एक और क्रेडिट करते हो और वो होता है फॉरफिटेड शेयर्स, और एक क्रेडिट किसको होगा बताना, फॉरफिटेड शेयर्स को। ठीक है, मतलब जो हमें ऑलरेडी अमाउंट मिल चुकी थी उससे हम लोग फॉरफिटेड शेयर को क्रेडिट करते हैं, और जो कॉल पे हमें पैसा आना बाकी था अब वो आने नहीं वाला है फोर फीचर के बाद, तो इसके लिए उसे भी क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप शेयर इश्यू करते हो एट पार तो आपकी फोर फीचर की ये वाली एंट्री पास होती है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग शेयर्स ओरिजिनली इश्यू कर चुके थे प्रीमियम पे तो आपकी एंट्री जरा सी डिफरेंट आएगी। ओके, तो एंट्री क्या आएगी बच्चों, तो मैं इसके भी करता हूं दो पार्ट। देखो, ये तो हमने ऑलरेडी सीख रखा था, ये वाली एंट्री हमने पिछले लेक्चर में देख भी ली थी, इस पे दो क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिए थे। ओके, एट पार वाली। अब जब भी शेयर्स ओरिजिनली अगर इशू हुए थे आपके प्रीमियम पे और उन शेयर्स का अगर अब फॉरफिचर ऑफ शेयर्स हो रहा है तो फिर आपकी एंट्री कैसे बनने वाली है कैसे नहीं, ये हम लोग अब यहां पे समझ के लेंगे। ओके, तो बच्चों, व्हेनेवर यू आर इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम तो इसके बन सकते हैं दो पार्ट्स, और ये दो पार्ट कौन से बनते हैं बच्चों, तो दो पार्ट ये बनेंगे। सबसे पहला प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड, एंड सेकेंडली प्रीमियम
not received. Okay, premium received or premium not received. तो whenever you are issuing shares at premium originally और फिर जाके उसको आप लोग forfeit कर रहे हो, तो दो scenarios यहां पे निकल के आ सकते हैं. सबसे पहला premium money receive हो गई और दूसरी बात premium आपको receive नहीं हुआ. okay, आप बोलेंगे सर ये क्या होता है प्रीमियम रिसीव हुआ प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ. ओके, तो मैं जरा सा आपको एग्जांपल देता हूं फिर मेरे इस टॉपिक पे वापस से आ जाऊंगा. ध्यान से देखना बच्चों क्या बोलता हूं मैं. अगर मान के चलो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू कर रखे थे जिसपे एप्लीकेशन पे आना था ₹4 और ये मान के चलो 10 ईच के शेयर्स है. एप्लीकेशन पे आने थे ₹4, अलॉटमेंट पे आने थे ₹3 और इसमें ₹1 प्रीमियम का है इंक्लूडिंग ₹1 ऑफ प्रीमियम और ये 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹1 प्रीमियम. ओके, मतलब मैंने आपको बता दिया है तो 10,000 शेयर्स 10 ईच के, मतलब उसकी फेस वैल्यू है ₹10 बट आपने ₹1 के उसको प्रीमियम पे इशू किया, मतलब फेस वैल्यू से ₹1 ऊपर इशू किया. इन शॉर्ट आप लोगों ने उसे कितने में इशू किया है, ₹11 में इशू किया है. ठीक है, अब पैसे कैसे आने वाले आपको, एप्लीकेशन पे आने वाले है ₹4, अलॉटमेंट पे आएंगे ₹3, लेकिन इसमें ₹1 प्रीमियम का भी होगा और अब जो बैलेंस जितना भी रहेगा वो आने वाला है ऐसा मान के चलो कॉल पे. ठीक है, तो अब कॉल के लिए वैसे बच कितने रुपए रहे बताना, ₹4. ओके, तो देखो ना 4 and 4 8 and 3 11, तो ये ₹11 आपको ऐसे मिलने वाले. एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 3, लेकिन अलॉटमेंट में ₹1 प्रीमियम का भी है और कॉल रुपीज कितने 4, तो ये अमाउंट आपको ऐसे मिलनी है. अब मान के चलो एक बंदे के पास में 1000 शेयर्स थे, इस बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, बट जब उसे कॉल के ₹4 मांगे तो इस बंदे ने कॉल के ₹4 नहीं दिए. ठीक है, इसने एप्लीकेशन का बराबर ₹4 दिया, अलॉटमेंट का ₹3 दिया, बट जब कॉल के ₹4 मांगे तब इसने ये कॉल मनी पे ही नहीं की. ओके, तो बच्चों इस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इसके 1000 शेयर्स ऑफ फॉरफिट हो रहे, तो पहली बात तो ये शेयर ओरिजिनली इशू हुए थे प्रीमियम पे. ये कहां से समझ रहा है आपको, क्योंकि आपके जो शेयर्स थे उसकी फेस वैल्यू थी कितनी बताना, ₹10, और उसे आपने कितने में इशू किया बताना, 11 में. इसका मतलब ये हुआ ₹1 के प्रीमियम पे आप लोगों ने इसको इशू कर रखा है, ये सबसे पहली बात. ठीक है, अब मुझे आपको एक बात बताना है, ₹1 के प्रीमियम पे आप उसको इश्यू तो कर रहे हो और उसमें भी आपको एक और बात समझ के लेनी पड़ेगी. अब प्रीमियम मनी आपको रिसीव हुई कि नहीं हुई, ये अगर मैं आपको सवाल पूछूं तो आपका जवाब क्या आएगा, व्हाट आई एम आस्किंग, प्रीमियम मनी वेदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट, ये मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ. ओके, ये मेरा आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप आराम से देख के मुझे बताना आपको प्रीमियम का आना कितना है, तो ₹1 आना है और ये किसके साथ में आना है बताना, अलॉटमेंट मनी जो ₹3 की है ना, ये ₹3 में ये ₹1 का है बताना प्रीमियम का है. तो अगर ये शेयर होल्डर जिसके पास में 1000 शेयर्स थे, इसने एप्लीकेशन का भी पैसा दिया, अलॉटमेंट के भी ₹3 दे दिए, तो मुझे एक बात बताओ, अगर उसने अलॉटमेंट के ₹3 दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा क्या कि उस बंदे ने कहीं ना कहीं आपको ₹1 प्रीमियम का भी दे चुका है. बात समझ में आ रही है, बंदे ने हमें कॉल का पैसा नहीं दिया बट हमारा प्रीमियम का पैसा तो अलॉटमेंट मनी में इंक्लूडेड था, तो उस बंदे ने हमें अलॉटमेंट मनी तो पे कर चुका है, तो ये अलॉटमेंट मनी अगर ₹3 की वो पे कर चुका है तो इसका मतलब जो ₹1 का प्रीमियम है वो ऑलरेडी हमको मिल चुका है. ओके, ₹1 का जो प्रीमियम रहेगा वो हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है. ठीक है, तो ये हुआ आपका ये पर्टिकुलर पार्ट, जब भी आप शेयर्स इशू कर रहे हो एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पे जब भी आप लोग शेयर्स इशू करते हो तो दो सिनारियोज निकल के आ सकते हैं कि प्रीमियम आपको रिसीव हुआ
और प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां हमें प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ इस पर्टिकुलर सिनारियो में, तो बच्चों हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका था, हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका था, हमें बस कॉल का पैसा नहीं मिला। ओके, तो अगर हमको अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है तो अलॉटमेंट के ही अंदर हमें किसका और पैसा मिल चुका है बताना, प्रीमियम का भी पैसा मिल चुका है। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ व्हाट योर प्रीमियम, तो प्रीमियम का भी हमें पैसा मिल चुका है। ठीक है, तो ये बातें होती है कि जब आप इश्यू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली प्रीमियम पे कर रहे हो तो दो बातें हो सकती है कि आपका जब फॉरफिचर हुआ तब तक आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका था, और दूसरा सिनारियो होता है प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है। ओके, जब ऐसा होगा जिसके साथ जिस इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम का पैसा चिपका पड़ा था वो इंस्टॉलमेंट अगर हमको मिल गई तो इसका मतलब सामने वाले ने हमको प्रीमियम भी दे दिया है। ओके, तो तब आपके फॉरफिचर की एंट्री अलग आएगी। और अगर इसी एग्जाम्पल में मैं ऐसा बोलू, ये बंदा जिसके पास में 1000 शेयर्स पड़े हुए थे, इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया और जब उसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो उसने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, मतलब ये 3 रुपीज उस बंदे ने नहीं दिए, इसका मतलब उसने प्रीमियम पे नहीं किया है। इज दैट क्लियर? तो ये होती है बात बच्चों कि जब भी आप इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हो एट अ प्रीमियम, तो दो सिनारियोज निकल के आ सकते हैं कि क्या प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे आपके दो यहां पे कैटेगरीज बन सकती है। ओके, अब बच्चों ध्यान में रखना आपके ये जो दो कैटेगरीज यहां पे बनते हैं तो फिर इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी एंट्री क्या होती है बताना चेंज होती है। अगर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स कर रहे हो, ओरिजिनली शेयर्स आपने प्रीमियम पे इशू कर रखे थे और प्रीमियम आपको अगर रिसीव हो चुका था तो अलग एंट्री आएगी, और प्रीमियम अगर आपको रिसीव नहीं हुआ होगा तो आपको अलग एंट्री वहां देखने को मिल सकती है। ओके, व्हेनेवर यू आर इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम और प्रीमियम आपको रिसीव हो गया था, उसके बाद अगर आपका फॉरफिचर हुआ तो उसकी एंट्री क्या आने वाली है, तो एंट्री यही आएगी जो आपने यहां पर मारी है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितने से होगा, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, मतलब जैसे आप लोगों ने यहां मारा वैसे ही हम लोग यहां पे भी काम करेंगे। अगर तुम्हें प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो आप क्या करने वाले हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितने से करोगे, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, टू करना पड़ेगा आपको रिस्पेक्टिव कॉल, टू करना पड़ेगा आपको रिस्पेक्टिव कॉल, या फिर अगर अमाउंट ट्रांसफर करिए कॉल्स इन एरियर्स को तो आप लोग वहां पे कॉल्स इन एरियर्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप लोग एक और अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर सकते हो, और वो जो एक और अकाउंट है तो वो कौन सा अकाउंट है बच्चों, तो वो रहेगा आपका फॉरफिटेड शेयर्स का। ओके, ये और एक अकाउंट कौन सा रहेगा, फॉरफिटेड शेयर्स का। तो ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट है एग्जैक्टली क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, तो बेटा जितना भी आप लोगों को पैसा मिल चुका था ऑलरेडी, जो अब आपकी कंपनी उसे रिफंड नहीं करना चाहती, तो वो अमाउंट डाली जाती है आपके फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर। ओके, तो इन शॉर्ट बोलो तो जो आप लोगों ने शेयर्स इशू करे थे पार में और फिर बाद में वो फॉरफिट होते हैं, तो उसकी जो एंट्री आएगी वही एंट्री आपकी यहां पे प्रीमियम के भी वक्त आएगी। ओके, व्हेनेवर इशूड एट प्रीमियम, तो प्रीमियम रिसीव हुआ तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ऐसी आप लोग एंट्री पास करने वाले हो। ठीक है, दूसरा सिनारियो ये होता है कि अगर आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, अगर आप लोगों को प्रीमियम का पैसा ही नहीं मिला तो फिर आप लोग क्या करने वाले हो, तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, व्हेनेवर यू आर नॉट रिसीविंग द प्रीमियम अमाउंट, आपको प्रीमियम अमाउंट जब नहीं मिलेगी तब आपने एक एंट्री पास करना, क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एक नया चीज आएगी यहां पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू
respective call, or two, forfeited shares account. Forfeited shares account, okay? देखो जब आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तब आप क्या एंट्री पास करने वाले हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो आपको दोनों में फर्क क्या नजर आया, दोनों एंट्रीज में क्या नजर आया, है तो दोनों भी फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्री, दोनों भी तब की बात है जब शेयर्स आपने इशू किए हैं प्रीमियम पे, बट एक में प्रीमियम का पैसा आपको मिल जाता है तो दूसरे में प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता। तो याद रखो जब आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाता है तो जैसे आपने एट पार में फॉरफिचर की एंट्री मारी थी, यहां जैसे एंट्री मारी तो वैसी की वैसी एंट्री आप लोग यहां पे भी मारते हो। लेकिन अगर आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा तो फिर आप लोग एक एडिशनल अकाउंट डेबिट करोगे, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है तो बात समझो बच्चों, जब भी हम लोग शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम पे, ठीक है सुनने सुन के लेना रीजन क्या बोल रहा हूं, जब भी आपके शेयर्स इशू होते हैं एट प्रीमियम तो हमेशा याद रखना बच्चों यहां पे दो पॉसिबल इंप्लीकेशन हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आप लोग शेयर्स इशू कर रहे हो काय के अंदर बताना, आपके प्रीमियम के अंदर, तो फिर यहां पे आपके दो पॉसिबल इंप्लीकेशन हो सकते हैं, प्रीमियम मनी रिसीव्ड, प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड। एक मिनट के लिए मैं उसको बाजू में उठा के रख रहा हूं। आप जब भी शेयर्स इशू करते हो प्रीमियम पे तो प्रीमियम की जो अमाउंट होती है, प्रीमियम की जो अमाउंट होगी ये ट्रांसफर हो जाती है, और कहां पे ट्रांसफर होती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जब भी आप लोगों को शेयर्स इशू करने होते हैं प्रीमियम पे तो जो अमाउंट आपकी प्रीमियम की होती है, मतलब फेस वैल्यू से फेस वैल्यूज अबव, फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी आपको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं प्रीमियम का अमाउंट। तो ये प्रीमियम का अमाउंट जो होगा ये हम लोग ट्रांसफर कर दिया करते काम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को। ठीक है, तो अब हमेशा एक बात याद रखना, अगर तुमको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको अगर रिसीव हो जाता है तो ये रिवर्स जब भी होगा तो सिर्फ फाइव थिंग्स के लिए होगा, रिवर्स फॉर ओनली फाइव थिंग्स, सिर्फ पांच चीजों के लिए ये रिवर्स हो सकता है। व्हाट आई एम टॉकिंग हियर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बच्चों जब भी आप शेयर इशू करते हो प्रीमियम पे तो जो आपकी प्रीमियम अमाउंट होती है वो ट्रांसफर की जाती है आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। ठीक है, और जब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप लोग अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो तो दो पॉसिबल इंप्लीकेशन हो सकते हैं, एक तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट मिल चुकी है और दूसरी बात है आपको ये अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, जब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम माने प्रीमियम की जब अमाउंट आपको रिसीव हो जाए तो वो जो रिवर्स होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पांच चीजों के लिए रिवर्स होगी, इट विल गेट रिवर्स फॉर ओनली एंड ओनली फाइव थिंग्स, सिर्फ पांच चीजों के लिए ये अमाउंट रिवर्स होने वाली है। ठीक है, अब ऐसे कौन से पांच चीजें हैं जिसके लिए ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स होता है, तो बच्चों याद रखना ये पांच चीजें कुछ ऐसी है। नंबर वन, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ व्हाट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, टू इशू बोनस शेयर्स, टू बायबैक शेयर्स, थर्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये अगर एक बार आपको प्रीमियम का अमाउंट मिल जाए रिसीव हो जाए तो ये कभी भी रिवर्स होगा,
तो वो सिर्फ पांच चीजों के लिए रिवर्स होता है। देखो, रिवर्स करने का मतलब है डेबिट करना किसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। ठीक है, जब आपको प्रीमियम का पैसा मिलता है तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होता है, ये बात समझ के लेना। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका क्रेडिट होता है, तो इसको रिवर्स सिर्फ पांच चीजों के लिए किया जाता है। इसका रिवर्स का मतलब क्या हुआ, डेबिट किया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम को सिर्फ और सिर्फ पांच चीजों के लिए। अब ये पांच चीजें कौन सी है जिसके लिए इसे डेबिट किया जाएगा, तो सबसे पहली बात तो राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब जो कंपनी को फॉर्म होने के पहले जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स लगते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए। राइट ऑफ मतलब उसको खत्म करने के लिए। तो राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो डिबेंचर्स है वो अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो उसको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, तो आप किसको यूज कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो। आगे टू इशू बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स भी आपको अगर इशू करने हैं तो फिर आप लोग वहां पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हो। टू बाई बैक शेयर्स, शेयर्स को अगर आपको बाई बैक करना है तो भी आप लोग वहां पे भी क्या यूज कर सकते हो बताना, आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम को। और लास्ट टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब कल चल के प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करने, खत्म करने, तो उसके लिए भी आप लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जब आपको रिसीव हो जाएगा तो इसको रिवर्स हम लोग सिर्फ इन पांच चीजों के लिए कर सकते हैं। ओके, और कौन कौन सी चीजें, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू इशू बोनस शेयर, टू बाई बैक एंड टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो बस इतने के लिए आप लोग उसको रिवर्स कर सकते हो। और अगर आप लोगों को सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव ही नहीं होता तो आप लोग उसको कभी भी रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स एट एनी टाइम। तो याद रखना, जब आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ पांच चीजों के लिए रिवर्स करते हैं, और जब आपको प्रीमियम का पैसा मिला ही नहीं तो उसको हम लोग कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो बस उसी की वजह से बच्चों यहां पे ये डिफरेंस आता है, ये जो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं तो इसमें डिफरेंस इसी की वजह से आता है। कौन सा डिफरेंस, जब आपका शेयर इशू किया गया था प्रीमियम पे, तो ये बात तो श्योर होती, जब भी शेयर आप इशू करते हो प्रीमियम पे तो अमाउंट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो जो प्रीमियम की अमाउंट होती है ये प्रीमियम अमाउंट क्रेडिट हो जाती है किसको, आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। फिर भले ही वो प्रीमियम आपको अभी मिला या नहीं मिला, बट आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम को अमाउंट तो चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो गया तो मैंने जैसे बताया वो तो सिर्फ पांच चीजों के लिए अब रिवर्स होगा या डेबिट होगा, सिर्फ और सिर्फ पांच चीजों के लिए। और वो कौन सी पांच चीजें हैं जिसके लिए वो डेबिट होगा वापस से, तो राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट, इशू ऑफ बोनस शेयर, बाईबैक एंड राइट ऑफ ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो उसमें पांच चीजों में एक भी बार आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का नाम नहीं दिखाई देगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर ये जो भी आपके क्या होने वाले बताना शेयर्स होंगे जिन्हें आप लोग फॉरफिट करने वाले हो, जो ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम थे, तो अगर आप लोगों को प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो वो सिर्फ पांच चीजों के लिए रिवर्स होगा, और उन पांच चीजों में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नहीं है। तो अगर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नहीं है तो फिर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यहाँ पे डेबिट नहीं कर सकते, बात समझो। तो इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं किया हुआ है। लेकिन जब प्रीमियम का पैसा ही आपको नहीं मिलता, तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको पैसा या प्रीमियम का पैसा आपको नहीं मिलता तो आप उसको कभी भी रिवर्स कर सकते हो, माने कभी भी डेबिट कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे उसको डेबिट कर देंगे। ओके, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एंट्रीज, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ठीक है, तो बच्चों ये होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स आपके सामने पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स दो टाइप से हो सकता है, अगर आपने शेयर्स इशू किए थे एट पार तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिस्पेक्ट टू कॉल टू फॉरफिटेड शेयर्स, ऐसी एंट्री आएगी। लेकिन आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो दो चीजें हो सकती है, प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ एंड प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ।
तो जब आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाता है तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो और सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पर डेबिट नहीं होता। लेकिन अगर आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था तो फिर ऐसे वक्त आप लोग क्या कर सकते हो बताना, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जरूर जरूर डेबिट कर देंगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, प्लीज नोट इट डाउन। ये चार्ट वाइज मैंने आपको ये एंट्री यहां पे लिखा के दे दिया, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग एक पर्टिकुलर यहाँ पे इल्लू सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखी है वो हमें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ओके, मतलब एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए और कितने शेयर्स फॉरफिट करके रखे बच्चों, 5000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट करके रखे हुए और 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब इन शेयर्स पे पूरा पूरा पैसा मंगवाया हुआ है। ओके, पूरा पैसा इस पे मंगवाया हुआ है 100 के 100 रुपए, विच वेर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो जब ये इशू हुए थे ओरिजिनली तो प्रीमियम पे इशू हुए थे। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वेर एज फॉलोज, तो अमाउंट कुछ ऐसी आनी थी। देखो बेटा, प्रीमियम पे इशू कर रहे 20 के, तो देखो 100 उसकी है फेस वैल्यू और ये जो 20% लगाया जाता है ना, ये हमेशा फेस वैल्यू पे लगाया जाता है। मतलब ये फिर प्रीमियम कितना आ गया 20, तो 100 की फेस वैल्यू और ये 20 का प्रीमियम, ये होता है फिर 120। ओके, 100 की फेस वैल्यू, ये है प्रीमियम और ये 120 क्या होगा, आपकी इशू प्राइस का काम होगा, ठीक है। तो ये 120 रुपीज आप लोगों का क्या बन जाएगा बताना, ये आपका इशू प्राइस बन जाएगा। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वेयर एज फॉलोज, तो शेयर पे जो अमाउंट पे होनी थी वो कुछ ऐसी होनी थी, एप्लीकेशन पे ₹20, अलॉटमेंट पे ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब अलॉटमेंट में ₹50 तो आने हैं बट उसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो आप एक बात बताओ, प्रीमियम है कितने का, 20 का। तो आपको नहीं लग रहा इस 50 में ₹20 प्रीमियम का है, तो ये जो ₹30 है ना, ये फेस वैल्यू का है। ओके, ये ₹20 प्रीमियम का है और बाकी के ₹30 फेस वैल्यू के है, ठीक है। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई कि अलॉटमेंट में ही आपका प्रीमियम का भी अमाउंट छुपा पड़ा है, एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50 आपको मंगवाए जाएंगे। तो आप देख लो, 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट, ये हो गए 70, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50, तो ये हो जाते हैं टोटल कितने, 120। ओके, तो ₹120 ऐसे मंगवाए जाएंगे। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाई द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स, मतलब ये जो 5000 शेयर्स आपने फॉरफिट करे हैं, तो इन शेयर होल्डर्स ने आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया। ओके, और बाकी कोई पैसा ही नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ओके, हमने तो कॉल पूरा कर लिया था ना, मतलब 100 की फेस वैल्यू है तो हमने पूरा ही पैसा कॉल्ड अप कर दिया था। बट इन शेयर होल्डर्स ने, जिनके शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट किए हैं, उन्होंने सिर्फ हमको क्या देके रखा है बताना, एप्लीकेशन मनी पे आउट करके रखी है। तो सवाल है, अब हम लोग जर्नल एंट्रीज फॉर फ्यूचर की यहाँ पे कैसे मारेंगे। तो आप बिल्कुल भी तान मत लेना, पहले एक डिसाइड कर लो कि ये जो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स हुए हैं वो ओरिजिनली क्या प्रीमियम पे इशू हुए हैं। तो आप बोलेंगे सर जी हाँ, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम ही है, मतलब ये शेयर्स आप लोगों ने इशू काय पे करके रखे हुए हैं, प्रीमियम पे इशू करके रखे हुए हैं। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हुई। अब आप ये चेक करो, प्रीमियम मनी रिसीव हुई कि नहीं हुई, प्रीमियम अमाउंट आप लोगों को रिसीव हुई कि नहीं हुई। तो आप मुझे बताना, प्रीमियम का पैसा किसके साथ में आने वाला था, तो अलॉटमेंट के साथ आप लोगों को प्रीमियम का पैसा मिलने वाला था। और प्रॉब्लम क्या हो गई बच्चों, अलॉटमेंट के साथ हमें प्रीमियम का पैसा मिलने वाला था बट हमें तो इन शेयर होल्डर्स ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, इन्होंने तो हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। तो अगर इन्होंने हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं, तो फिर हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुई है। ओके, प्रीमियम मनी हमें रिसीव नहीं हुई है। तो जब आपको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ ही नहीं, तब आपको एंट्री मारते वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम डेफिनेटली डेबिट करना पड़ता। इज दैट क्लियर? तो
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो बराबर आपको डेबिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इस बेसिस पे फॉरफीचर की एंट्री मारने जाएंगे, तो आप जरा सा ध्यान देना, समझ के लेना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले फॉरफीचर की जब भी आप लोग एंट्री मारोगे तो आप लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करनी है। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना होगा, तो अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, तो हमने तो फुल्ली कॉल्ड अप किया है, हमने तो पूरी पूरी अमाउंट मंगाई है। अब मैं जब पूरी पूरी अमाउंट बोलता हूं तो आपके दिमाग में दो डाउट जनरेट होते, सर मतलब 100 रुपया मंगाया या 120 रुपीज मंगाया। तो बेटा एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मंगाए तो हमने पूरे रुपए है, मतलब पूरे 120 रुपीज ही हमने मंगाए, लेकिन जब आप यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर डालते हो ना, तो हमेशा यहां पे फेस वैल्यू डालना, ना कि प्रीमियम का अमाउंट डालोगे। ओके, तो फिर हम इक्विटी शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट डालते हैं, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। यहां लिखा था हमने फुल्ली कॉल्ड अप किया, तो वैसे फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब होता है पूरे 120 रुपए आपने मंगाए, लेकिन जब भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना चाहते या क्रेडिट करना चाहते हैं, तो वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होगा, ना कि किसी दूसरी अमाउंट से। तो फेस वैल्यू कितनी है बताना कॉल्ड अप की, 100 रुपीज, हमने पूरे 100 रुपीज मंगाए, इंटू कितने शेयर्स आपके फॉरफिट हो रहे, तो हमारे 5000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे, तो हम लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, 5000 लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये अमाउंट यहां पे कितनी आ रही है बताना, 5 लाख की अमाउंट आ रही है। ओके, ये अमाउंट आपकी कितनी है, 5 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितना डेबिट आपने कर दिया, 5 लाख रुपया आप लोगों ने डेबिट कर दिया। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब बचो, क्योंकि आपने शेयर इशू किए थे ओरिजिनली प्रीमियम पे, क्योंकि आपको ये प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुई है, तो जब प्रीमियम मनी रिसीव नहीं होती तब हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो होगा ये भी हम लोग यहां पे डेबिट करने वाले हैं। ठीक है, अब सवाल है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारा होगा तो कितने से होगा डेबिट, तो यहां पे ध्यान से देखना, आपका प्रीमियम ऑन पर शेयर है कितने रुपीस का, 20 रुपीस का, तो जितना प्रीमियम होता है उतना आपका गया होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम को, तो यहां पे हम लोग कितना लिखने वाले, 20 रुपीस इंटू कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो आपने बोलना सर 5000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। ओके, तो 5000 इंटू 20 कर दोगे तो फिर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को कितना डेबिट करना है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा जरूर। तो ये कितना डेबिट होने वाला है बताना, 1 लाख रुपीज डेबिट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम को, आप कितना डेबिट करने वाले हो, 1 लाख डेबिट कर दोगे। ठीक है, तो ये हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिन जिन हमने कॉल का पैसा मंगाया था और जो हमें नहीं आया, अब वो फ्यूचर में भी हमें आने नहीं वाला, तो जो पैसा हमें अब फ्यूचर तक आने ही नहीं वाला, तो उसे हम लोगों को उठा के करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने कौन कौन से पैसे मंगाए थे, तो बेटा हम लोगों ने तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मंगाया था। हमें कौन सा पैसा आ चुका था, हमें सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आ चुका था। हमें और कौन से दो अमाउंट नहीं आए, अलॉटमेंट मनी नहीं आई एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें नहीं आया। तो बच्चों, अगर आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है, तो आपने जो अलॉटमेंट को डेबिट किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया था, तो वो तो अब आने नहीं वाला। जब हम अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट करते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कि हमें ये पैसा आना बाकी होता है, और जब हमें एक्चुअल में ये पैसा आ जाता है तो हमें इनको उठा के क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो हम लोग इनको क्या करने वाले, क्रेडिट करेंगे। तो टू यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बताओ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आप कितना डालोगे? तो हमने अलॉटमेंट में 50 रुपीज मंगाए थे, तो आंख बंद करके यहां पे डाल देना 50 रुपीज, और कितने शेयर्स थे वो 5000। ओके, तो 5000 पे आप लोग क्या करने वाले हो बताना, 5000 पे 50 रुपीज मंगाओगे जो हमें अब नहीं आने वाला है, तो ये होता कितना है बताना, 2,50,000 होगा। ओके, तो ये कितना होगा, 2,50,000। वैसे ही देखो अलॉटमेंट जब आपने आना बाकी बताया होगा तो उसे डेबिट करके रखा होगा। अब पता है इन शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट का पैसा आने ही नहीं वाला, तो जब आने ही नहीं वाला है तो हमने उसे उठा के क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, वैसे ही हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी उसे किया था 50 रुपीज का, तो वो भी पैसा हमें मिलने नहीं वाला। तो अब क्योंकि वो भी पैसा आपको मिलने नहीं वाला, आपने तो उसे डेबिट कर रखा था, मतलब वो पैसा आना बाकी है बताया था। अब क्योंकि वो पैसा आने ही नहीं वाला है, तो उस डेबिट को उठा के आप लोगों को करना पड़ेगा क्या, क्रेडिट। क्योंकि वो पैसा नहीं आएगा तो उसे उठा के कर देंगे क्रेडिट। तो यहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल था कितने का, 50 रुपीज का, तो यहां पे हमने 50 रुपीज कर दिए, और कितने शेयर है बताना आपके, तो आपके है 5000 शेयर्स। तो टोटल ये भी बाहर कितना जाएगा, 2,50,000 का अमाउंट बाहर चला जाएगा। ओके, तो ये भी अमाउंट कितनी बाहर जा रही है, 2,50,000 की। ठीक है, इसके अलावा देखो हमने जो मंगाया था वो ऊपर आ गया, प्रीमियम का जितना था ऊपर आ गया, और जो पैसे मंगाने के बावजूद नहीं आए और अब आने भी नहीं वाले, उनको हमने क्रेडिट कर दिया। तो वो कौन कौन सी अमाउंट थी, अलॉटमेंट की थी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की थी, तो इनको हमने उठा के यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि ये अमाउंट आप लोग कॉल्स इन एरियर्स को ट्रांसफर करो, तो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के प्लेस पे कॉल्स इन एरियर से लिख देते 5 लाख के, बट यहाँ पे मेंशन कुछ है नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने जो का त्यो आपका बैलेंस होगा या जो कि त्यो इंस्टॉलमेंट होगी, बस उसी को हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट करके रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने ये क्रेडिट कर दिया। फिर इसके बाद एक बात मुझे बताना, आगे आपको दिया क्या गया है? तो बच्चों हमें एक चीज का इफेक्ट यहाँ पे देना बाकी है, और वो कौन सी चीज का इफेक्ट देना बाकी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताओ, जो आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका था, तो क्या अब आपको रिफंड करने की जरूरत है? तो जवाब है, हमें रिफंड करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो अगर आपको उसे रिफंड करने की जरूरत नहीं होगी, तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा बच्चों, तो आप लोगों को इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा ऑलरेडी आपको मिल गया और आप उसको रिफंड भी नहीं करने वाले, तो आपके लिए तो ये सीधा सीधा एक प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। तो इसे किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो उस अकाउंट का नाम है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ओके, किस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। और कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना पैसा हमें मिल चुका था, हमें तो एप्लीकेशन के 20 रुपीज मिल चुके थे। ओके, हमें तो एप्लीकेशन के 20 रुपीज मिल गए थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन इंटू 5000 शेयर्स। तो मतलब हमें 1,00,000 रुपया मिल गया था, जिसे हम अब रिफंड नहीं करने वाले, तो इसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, तो ये इन टोटेलिटी तुम्हारा क्या बन चुका है बताना, ये पूरा फोर फीचर ऑफ शेयर्स, इसका पूरा हमारी एंट्री आंखों के सामने हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुई थी, तो जब प्रीमियम मनी रिसीव नहीं होती है तो एक स्पेशल चीज यहाँ पे आएगी, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर एंट्री, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है।